हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कुछ इस तरह का नवरात्रि स्टेटस वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह का नवरात्रि स्टेटस वीडियो क्रिएट करना बहुत ही आसान है। अगर आपको सीखना है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेते हैं तो आप सेम इसी तरह का वीडियो क्रिएट करना सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आपको इस तरह का वीडियो क्रिएट कैसे करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का वीडियो हम दो पार्ट में क्रिएट करने वाले हैं। पहले पार्ट में हम अपने फोटो को ऐड करके एक सर्किल क्रिएट करेंगे। फिर हम उस सर्किल को अलाइट मोशन एप्लीकेशन में ऐड करके कंप्लीट वीडियो क्रिएट करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले फोटो ऐड करके सर्किल क्रिएट कर लेते हैं। तो दोस्तों, फोटो ऐड करके सर्किल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम फिंस है। इसका डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का दिखता है। इसके बाद हम सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक कर लेंगे। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद हमारा गैलरी ओपन हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से कुछ फोटो सिलेक्ट करेंगे जिस फोटो से हमें सर्किल क्रिएट करना है। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ फोटो सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का शेप क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद फिर हम यहाँ शेप पर क्लिक करेंगे, फिर हम यहाँ शेप कलेक्शन पर क्लिक करेंगे, फिर हम यहाँ सी ऑल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सर्किल वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर हम यहाँ टिक पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फिर हम यहाँ एडजस्ट पर क्लिक करेंगे और साइज या फोटो को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। इसको हम कुछ इतना बढ़ा देंगे, फिर हम यहाँ टिक पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद अगर आपका कोई फोटो अच्छे से सेट नहीं हुआ है तो सिंपली आपको एडिट पर क्लिक करना है और आपको उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है जिस फोटो को आपको अच्छे से सेट करना है। फोटो को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा जिसकी मदद से आप अपने फोटो को अच्छे सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको फोटो को क्रॉप करके सेट करना है तो सिंपली आपको क्रॉप पे क्लिक करना है और आपको अपने फोटो को कुछ इस तरह से क्रॉप करके टिक पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद हम इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर हम यहाँ स्टैंडर्ड पे क्लिक कर लेंगे। स्टैंडर्ड पे क्लिक करने के बाद हमारा फोटो गैलरी में सेव हो जाएगा। इसके बाद फिर हम बैक जाएंगे और अपने अलाइट इमोशन एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। अलाइट इमोशन एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद हम अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे। इस प्रोजेक्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आपको इसको वहां से अपने अलाइट इमोशन एप्लीकेशन में इनपुट कर लेना है। इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ वीडियो वाले आइकन पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फिर हम इस वाले इमेज को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम यहाँ कलर एंड फिल पे क्लिक करेंगे, फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा गैलरी ओपन हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे उस फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे जिस फोटो को हम अभी सर्किल में क्रिएट किए। तो चलिए हम इस फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ प्लस पे क्लिक कर लेंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा सर्किल वाला फोटो यहाँ पे ऐड हो चुका। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, फिर हम इस लाइन वाले फोटो को सिलेक्ट करेंगे, कलर एंड फिल पे क्लिक करेंगे, फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपना एक फोटो सिलेक्ट कर लेंगे। हम आपको बता दें कि इसमें आपको उसी फोटो को सिलेक्ट करना है जिसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका हो। अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता है तो इस पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। तो चलिए अपने फोटो को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ प्लस पे क्लिक कर लेंगे। तो दोस्तों, फाइनली हमारा वीडियो क्रिएट हो चुका। तो चलिए हम एक बार प्ले करके देख लेते हैं कि हमारा वीडियो देखने में कैसा है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो देखने में काफी अच्छा लग रहा है। अगर इसे हमें सेव करना है, सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ एक्सपोर्ट पर क्लिक कर लेंगे। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद हमारा वीडियो एक्सपोर्टिंग हो रहा है, हम कुछ देर वेट करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा वीडियो एक्सपोर्टिंग हो चुका। इसके बाद हम यहाँ सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हमारा वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए।